नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। पटना में बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने फिर शुरू किया आंदोलन, छात्रों ने यहां डाला डेरा। बिहार सरकार अब छात्राओं को मुफ्त में मेडिकल की तैयारी कराएगी, आगे जानिए क्या शर्त है जरूरी। बिहार के 14 जिलों के 207 गांव में शुरू होगा 4G सेवा, इन जिलों के लोगों को होगा लाभ। मां के सपनों को सूर्यांश ने दी उड़ान, 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों के बने CEO। बिहार के विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और IT इंडस्ट्रीज से जुड़े कोर्स। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, ठनके को लेकर यह अपडेट। राजधानी पटना में सोमवार से एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रारंभिक शिक्षक संघ अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गया है। सड़क पर उतरे छात्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य छात्र संघ को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स ने कहा कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमने पात्रता परीक्षा पास की, इसके लिए जो भी डिग्री चाहिए थी हमने सब प्राप्त कर ली है, इसके बावजूद हमें लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। बहाली के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों को 27 जुलाई को सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था। सरकार ने कहा था कि जल्द बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मगर छात्रों ने सरकार के आश्वासन के बाद भी पटना के गर्दनी बाग में डेरा डाल दिया है। छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक ने हमसे कई बार भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया, मगर सरकार से हमें केवल झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब हम ये पीड़ा नहीं सह सकते। 27 जुलाई को हमें ये भी कहा गया कि कुछ दिन आंदोलन न करें, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान कैंडिडेट्स का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने कहा कि हमने तो ये दिखा दिया कि हम शिक्षक बनने योग्य हैं, हमने BEd DLED भी पास कर लिया, लेकिन हमारी बहाली अब तक नहीं हो सकी है। बिहार में नीतीश सरकार ने एक खास वर्ग के छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाली छात्राओं को अब सरकार ऑनलाइन क्लास के जरिए मुफ्त में तैयारी कराएगी। हालांकि इसके लिए सियासी शर्त भी जरूरी है। शर्त यह है कि मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। अब इस बात को आप यूं समझिए कि इन वर्गों की छात्राएं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें एक भी पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर कल्याण विभाग प्रदेश के सभी 38 जिलों में पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू कराएगी। इसका सीधा फायदा 35,000 से ज्यादा छात्राओं को मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार इस योजना पर अगस्त से काम करना शुरू कर देगी, यानी अगस्त से छात्राओं को योजना का लाभ मिलने लगेगा। बिहार राज्य के 14 जिलों के 207 गांवों में अब तक 4G नहीं पहुंच पाया है, वहां तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। केंद्र सरकार ने 4G मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित देश के 24,680 वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बिहार के अलावा झारखंड राज्य के 23 जिलों के 1615 गांव शामिल हैं। इसके झारखंड के जिन गांवों में 4G नहीं पहुंच पाया है वहां तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश के 6,000 से ज्यादा उन गांवों को 4G सेवा से अपग्रेड किया जाएगा जहां पहले से 2G या 3G सेवा चल रही है। बिहार के 14 जिलों के उप प्रखंडों में 4G सेवा का विस्तार किया जाएगा। इनमें से अधिकतर गाँव पिछड़े इलाके में आते हैं। 13 साल के सूर्यांश ने खेलने कूदने की उम्र में मां के सपनों को उड़ान देने की ठानी तो इतिहास रच दिया। 8 साल से कागज पर चल रही कंपनी को रफ्तार देने के साथ ही सूर्यांश ने 9 महीने में 56 स्टार्टअप की नींव रख दी है। जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव निवासी समाजसेवी संतोष कुमार व अर्चना का पुत्र सूर्यांश 56 कंपनियों के CEO होने के साथ ही दुनिया का यंगेस्ट CEO भी बन गए हैं। सूर्यांश का कहना है कि उसकी कंपनी सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हर तरह की जरूरतें पूरी करेगी। खेलने कूदने की उम्र में कंपनी चलाने की मानसिकता के साथ सूर्यांश 10वीं की पढ़ाई भी कर रहा है। मां अर्चना ने 2014 में कंपनी सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ कागजी कार्य पूरा कर बचा कर रखा था। वर्ष 2021 में सूर्यांश ने CEO का पद संभाला तो कंपनी ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। 9 महीने में 56 स्टार्टअप की नींव रखी, जिसमें दर्जन भर पर तेजी से काम चल रहा है। अगले 4-5 महीने में सभी बाजार में उतर जाएंगी।
बिहार के विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्रीज लिंक कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद इसकी तैयारी कर रही है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित और तकनीकी तौर पर सक्षम युवा मिल सकेंगे। परिषद का मानना है कि इस तरह की कवायद से संबंधित विषयों में उद्योग जगत की मदद भी मिल सकेगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों ने बैठक कर हाल ही में व्यापक विचार मंथन किया। बैठक में राज्य में उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीड एक्सेसमेंट कराने की बात कही गई ताकि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में प्रोत्साहित किया जा सके। परियोजना के शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिक्का ने इस संबंध में अपनी विशेष राय रखी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में नैक एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किए गए चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर राणा सिंह से आग्रह किया गया कि वह नैक एक्रीडेशन NIRF आदि रैंकिंग में अपनी विशेषज्ञ सलाह और सहायता दें। बिहार में अगले 72 घंटे में माध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। IMD ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक विशेष रूप से दक्षिण मध्य इलाके के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में पटना भी शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही सामान्य से मध्यम बारिश की वजह से उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या इससे कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने लगातार पड़ रही गर्मी से राहत मिल गई है। दरअसल हिमालय के तलहटी में बसे सीमांचल के इलाके से ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के क्षेत्र बने हुए हैं, इसकी वजह से बिहार में अभी लगातार बारिश होगी। IMD ने संभावना जताई है कि अगस्त पहले हफ्ते में बिहार में उल्लेखनीय बारिश होगी। पटना में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला में मनरेगा के तहत करीब 6 लाख पेड़ इस वर्ष लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने पटना को मनरेगा के जरिए 6,18,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया है। ये पेड़ ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। इसमें ज्यादातर पेड़ फलदार होंगे। विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ये पेड़ अगले 2 महीने में लगाए जाने हैं। जिन इलाकों में बाढ़ जैसी आपदा की आशंका नहीं है, वहां इन्हें लगाया जाएगा। इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान के द्वारा जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी ओर विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पेड़ों की भी संख्या बढ़ेगी। इस वृक्षारोपण अभियान में आम लोगों को भी भागीदार बनाया जाएगा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण पश्चिमी चंपारण में पहाड़ी नदी मनियारी, पंडई, हड़बोड़ा और बलौर समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के कटाव से नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक मनियारी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस नदी का पानी हलतलबी सरेही नदी में प्रवेश कर गया। नदियों में पानी बढ़ने से पोखरिया और भसुरारी गांव के सड़कों पर पानी बहने लगा। इसमें नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया। नरकटियागंज से लोगों का संपर्क टूटने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कुछ इसी तरह शुरुआत में सामने आए थे और देखते ही देखते पूरा देश इस तबाही की जद में आ गया था। अब इस नई आफत मंकी पॉक्स की चपेट में देश नहीं आ जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को पटना में उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञों ने अधिकारियों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध की तलाश करने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया था। 65 देशों में कुल 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं नागरिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। देश के सभी एयरपोर्ट अथॉरिटियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नीतीश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी। खासकर वैसे प्रखंड जहां ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से संबंधित होगी। राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है। अभी कितने प्रखंडों में एक भी ITI या MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर
विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें।